नमस्कार, कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको संकट चतुर्थी व्रत के साथ ये भी बताएंगे कि विवाह आदि मांगलिक कार्यों के होने पर सर्वप्रथम निमंत्रण गणेश भगवान को ही क्यों भेजा जाता है। क्या आप जानते हैं इस रहस्य को? नहीं तो हम आज यही आपको बताने वाले हैं। हम आपको बताएं इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, इसका कारण यह नहीं है कि गणेश भगवान प्रथम पूज्य देवता हैं, इसका कारण कुछ और ही है। मैं आपको यहाँ यह भी बताना चाहूँगी, जो व्यक्ति अपने विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश को नहीं बुलाता, उसे पछताना ही पड़ता है। ये बात अटल सत्य है। ऐसी ही गलती भगवान विष्णु ने भी की थी, तो उन्हें भी बाद में पछताना ही पड़ा था। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा है, जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। यह बात उस समय की है जब भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होना निश्चित हो गया और विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश भगवान को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कारण जो भी रहा हो, परंतु गणेश भगवान को विवाह का निमंत्रण नहीं भेजा। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो जाता है। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आते हैं और सब भगवान गणेश के विषय में पूछते हैं। गणेश भगवान तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश भगवान को निमंत्रण नहीं दिया या किसी अन्य कारण से गणेश जी यहाँ नहीं पधारे। सभी देवता गणों को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सभी आपस में मिलकर विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। तब भगवान विष्णु ने बताया कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण भेजा है। यदि गणेश अपने पिता के साथ आते तो वह अलग से उन्हें निमंत्रण देने की हमें क्या आवश्यकता है, क्योंकि एक परिवार में दो निमंत्रण नहीं भेजे जाते। दूसरी बात यह भी है कि उन्हें 52 मूंग, 52 चावल, 52 घी और 52 लड्डू का भोग एक दिन में चाहिए। अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर में इतना ज्यादा खाना पीना अच्छा नहीं रहता। सब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि किसी ने वहां आकर सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर दरवाजे पर बैठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना, आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ऐसे में तुम घर की ही रखवाली बेहतर करोगे। यह सुझाव सभी को पसंद आया। अब तो भगवान विष्णु भी इस कार्य के लिए अपनी सहमति दे देते हैं। यह सब बातें हो ही रही थी कि तभी वहां गणेश भगवान आ गए। सबने उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। जब बारात चल दी, नारद जी ने देखा कि गणेश तो दरवाजे पर ही बैठे हैं। महेश नारद जी गणेश जी के पास गए और बोले, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? सभी के साथ आप क्यों नहीं जा रहे? यहाँ अकेले बैठने का क्या कारण है? गणेश जी महेश नारद जी से बोले, भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अनादर किया है। तब नारद जी बोले, आप अपनी मूसक सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, जिससे उनके रथ जमीन में धस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की बात को सुनकर गणेश जी अपनी मूसक सेना को शीघ्र ही वहां भेज देते हैं और कुछ ही पल में अपनी सेना से सारी जमीन पोली करवा देते हैं। जब बारात वहां से निकली तो सभी रथों के पहिए जमीन में धस जाते हैं। लाख कोशिश करने पर भी पहिए जमीन से बाहर नहीं निकाले। व्यक्ति जगह जगह से खींचने के चक्कर में वो पहिए टूट कर चकनाचूर हो गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।
तब महर्षि नारद जी बोले, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर यहाँ लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट भी टल सकता है। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर अपने दूत नंदी को भेजते हैं। नंदी गणेश भगवान को लेकर आ जाते हैं। अब तो गणेश भगवान का आदर सम्मान के साथ पूजन किया जाता है। तब कहीं रथ के पहिए निकले, अब उनकी टूट फूट की मरम्मत कौन करे। पास के ही खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती काम करने से पूर्व ओम नमो गणपते नमे का उच्चारण कर गणेश जी की वंदना करता है और सभी के देखते देखते ही उनके रथ के सभी पहियों को ठीक कर देता है। अब सभी देवता पूछते हैं कि तुमने इतनी जल्दी कैसे सभी रथों को सही कर दिया। तब खाती बोला, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया और नहीं उनकी पूजा की, इसलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी हमेशा सर्वप्रथम गणेश जी को पूछते हैं और उनका ध्यान करते हैं। आप तो देवता हो, सब कुछ जानते हुए भी गणेश को कैसे भूल गए। अब आप सभी भगवान गणेश की जय जयकार बोलकर आगे जाएं। आप यदि ऐसा करेंगे तो कोई भी संकट आप लोगों पर नहीं आएगा। सभी बारात गणेश जी की जय जयकार करती वहां से चल देती है और लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का विवाह कराकर सभी सकुशल वापस लौट आते हैं। गणेश भगवान, आपने जैसा भगवान विष्णु के कार्य को सफल किया, वैसे ही हमारे सभी भक्त कहानी कहने और सुनने वाले के सभी मनोरथ सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।